जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज उन्हें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ 18वें श्राप को लेकर। इस श्राप से पता चलता है कि आप बारंबार भूत प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं, नजर दोष से पीड़ित होते हैं, अनमने से रहते हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लगता। इस श्राप के कारण जो कि राहु महाराज द्वारा दिया गया आपको श्राप है, इस श्राप को कैसे आप अपनी जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उस सब को डिटेल में बताने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आप लगातार इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। तो इस विषय पर आगे चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के यानी घंटी के बटन को दबाना, आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप घंटी के आइकन को दबाएंगे तभी आपको हमारे जो नए नए वीडियो जो हम आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं या वरदान सीरीज के जो 108 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं उनकी सारी जानकारी रिलीज होने के साथ ही उस वीडियो के आपको स्वतः ही आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और सब्सक्राइब के बटन के तुरंत पश्चात आप बेल के आइकन को अवश्य दबाएं। जिन्होंने इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है मगर बेल का आइकन नहीं दबाया है तो वो बेल का आइकन यानी घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि उन्हें घर बैठे उनके मोबाइल पर हमारे हर नए वीडियो के बारे में, गुरु महारुक्मणी के नए वीडियो के बारे में और स्वामी राज ऋषि का जो डेली राशिफल आता है उसकी तुरंत सूचना उनके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो प्रिय भक्तगणों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे आप सभी से कि श्राप नंबर 18 कहता है कर्म जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो या कुछ उन कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, उन कर्मों के फल स्वरूप, हमारे उन पापों के फल स्वरूप, हमारे उन दुष्कर्मों के फल स्वरूप हमारी जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होते हैं। हम उन पापों के बारे में बात कर रहे हैं जो जाने में अनजाने में हम लोग करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की सुख शांति और संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं, लूट खसोट मिलावट खोरी, यहाँ तक कि हम दवाइयों को भी जहर बनाने से नहीं चूकते। और आजकल तो हमारा स्तर इतना निम्न होता जा रहा है कि हम सब्जियों में रंगों की मिलावट करके, कपड़े वाले रंगों की जो कपड़ों की डाइयों की मिलावट करके हम इंसानों को अपनी ही वंशावलियों को खत्म करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार नाम की दीमक हमें खोखला किए जा रही है। ये सब क्या है? हमारे पाप ही तो हैं, जो इस जन्म में जिन पापों का फल हमें नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से अगले जन्म में हमें हमारे यही कर्म पापों के रूप में, उस ग्रह से संबंधित पाप के रूप में जिससे संबंधित हम पाप कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होंगे और तब हमें एक नया शाप मिलकर यह जीवन मिलेगा। एक या एक से अधिक शापों के साथ हमें यह जीवन मिलेगा और कभी हम फुटपाथ पर भिखारी बनकर पैदा होंगे, कभी लंगड़े लूले बनकर पैदा होंगे, कभी हम एक आंख से या सुनने से विहीन होकर या जवान रहित होकर या दिव्यांग होकर या अल्प दिमाग वाले व्यक्ति होकर, बुद्धिहीन होकर इस दुनिया में पुनः मनुष्य योनि के रूप में अपने उन पापों का फल भुगतने के लिए जन्म लेंगे जो पाप हमने पिछले जन्म में किए थे। ये तो परम पिता परमात्मा का वह न्याय है जिससे न राजा बच सकता है न रंक बच सकता है। राजा अगर पाप करेगा तो दंड उसे भी भुगतना पड़ेगा, भिखारी भी अगर कोई पाप करेगा तो दंड उसे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के लिए ना कोई राजा है ना कोई रंग। क्यों नहीं हम अभी से अपने जीवन में सचेत होकर शुभ कर्म करने का प्रयास करें ताकि हमसे कोई ऐसा पाप ही ना हो
जिसका बोझ लेकर पुनः हम मनुष्य योनि में आए और चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों के आधार पर हमें दंड स्वरूप विभिन्न प्रकार के श्रापों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर हमें भेजें और हमारी यह नई जीवन नई जिंदगी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के अक्षर बनकर हमारी आंखों के सामने प्रसन्न चिन्ह लगाते हुए पूरी जिंदगी हमें नरक का सुख नरक का दुख यहीं पर दिखा दे। इस बात की चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनका पढ़ाई लिखाई में मन न लगने से या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे उस वजह से परेशान है, या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपकी अच्छी नौकरी नहीं है, या आपका बॉस आपको परेशान करता है इस वजह से परेशान है, या शादी प्रेम से संबंधित परेशान है कि शादी आपकी नहीं हो पा रही है, हो शादी तय होती है रिश्ता टूट जाता है, या आपको आपकी प्रेमिका धोखा दे रही है, या आपका प्रेमी आपको धोखा दे रहा है, या आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, धन की कमी से आप परेशान है, संतान के होने या ना होने की वजह से परेशान है, यानी आपको शादी के बहुत समय बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है उस वजह से आप परेशान है, अपनी बीमारियों की वजह से परेशान है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की वजह से परेशान है, अपना आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो पा रहा है उस वजह से परेशान है, या बिजनेस में बाधा आ रही है उस वजह से परेशान है, या आप विदेश जाना चाहते हैं मगर विदेश नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से परेशान है, क्योंकि रुकावटें आपके रास्ते में अड़चने बनी हुई है, अलग अलग तरीके की रुकावटें आपके आपको आपके हर कार्य में बाधा पहुंचाती हैं, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है, अपनी कार नहीं है, या अपना व्यापार स्थल यानी कि दुकान या ऑफिस नहीं है इस वजह से परेशान है, तो आप निसंकोच जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर मुझसे यानी गुरु रजनीश ऋषि से, गुरु मां रुक्मिणी से, या स्वामी राज ऋषि से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी हर प्रकार की परेशानी के लिए बिना किसी झिझक के आप चर्चा कर सकते हैं, चाहे वह परेशानी आपकी बीमारी से संबंधित ही क्यों ना हो, तो इस विषय पर आप बिना किसी झिझक के हमसे चर्चा कर सकते हैं। निसंदेह इस सब के लिए आपको एक बहुत छोटी सी फीस देनी पड़ती है, उस फीस से हम यहाँ पर यहाँ की संचालन व्यवस्था, आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं हमारे, जो कि हमारे अब 3200-3300 वीडियो आप लोगों के सामने आ चुके हैं, उन सबको बनाने इत्यादि में जो पैसा खर्च होता है, यहाँ पर हम कंप्यूटर कोर्स चलाते हैं गरीब लड़कियों के लिए, उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को संचालन करने के लिए, और उन लड़कियों को उनमें से प्रत्येक लड़की को स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए, या जो हम यहाँ से प्रसाद व्यवस्था चलाते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, उस प्रसाद की व्यवस्था को चलाने के लिए कार्य में आती है, तो आप जो भी फीस के रूप में पैसा देते हैं वह निसंदेह एक शुभ कार्य में प्रयुक्त होता है। आप बिना किसी झिझक के, चाहे वह आपकी बीमारी की समस्या क्यों ना हो, इस स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क स्थापित करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रसित कहे जाते हैं कि इसके ऊपर भूत आता है, इसके ऊपर प्रेत ने इसे परेशान कर रखा है, इसको बार बार नजर लगती है, ये हर समय चिड़चिड़ा स्वभाव वाला व्यक्ति बन गया है। यह बहुत सारे व्यक्तियों की जन्म कुंडली में और विशेष रूप से गांव के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की जन्म कुंडली में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है यह शाप। प्रिय भक्तगणों, जब दैत्यराज राहु आपकी जन्म कुंडली में एक विशेष स्थान पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं। आपको बहुत शीघ्र छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर नजर लग जाती है, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, बनते बनते आपके कार्य रुक जाते हैं। एक बहुत बुरा शाप है जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को नरक से बदतर बना देता है। आपने सुना होगा फलानी व्यक्ति फलानी मजार पर गया था, फलानी पीर बाबा की कब्र वहां पर गया था, वहां जाता है, वहां रोजाना जाके हाजिरी देता है और धीमे धीमे करके ठीक हो रहा है, या इस बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है,
बार बार नजर लग जाती है, अभी दो चार दिन पहले ही नजर लगी थी, फिर इसे नजर लग गई है। ये नजर दोष और ये भूत प्रेत बाधा का जो शाप है, वह राहु जो दैत्यराज राहु हैं, जिन्हें हम राहु ग्रह के नाम से, छाया ग्रह के नाम से जानते हैं, जो एक एक करके सारे ग्रहों को ही डस लेते हैं। सूर्य को डसते हैं तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्र को डसते हैं तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, बृहस्पति को डसते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है, मंगल को डसते हैं तो अंगारक योग लग जाता है, किसी को भी नहीं बख्शते हैं, क्योंकि ये देवताओं के कट्टर शत्रु है। इन्हीं की देवताओं की वजह से भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दैत्यराज राहु की गर्दन को विभक्त कर दिया था, जो कि दो हिस्सों में विभक्त हो गई थी, एक हिस्सा राहु कहलाया और दूसरे हिस्से को हम केतु के रूप में जानते हैं, लेकिन अमृत भी लेने के कारण ये अमर हो गए थे, जिसकी वजह से बाद में भगवान शिव ने इनको नवग्रह देश देवताओं में प्रमुख स्थान दिया, छाया ग्रह के रूप में एक राहु कहलाया और दूसरा हिस्सा केतु कहलाया। बहुत शक्तिशाली हैं ये राहु और केतु, बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े ज्ञानी इनके निवारण के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी ये बैक किक मारते हैं तो अच्छे अच्छे पंडितों को धराशाही कर देते हैं। फिर भी न जाने कितने पंडित लोगों से झूठ बोलकर, कितने मतलब पंडित नहीं, ढोंगी और पाखंडियों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ज्ञानी और विद्वान पंडितों का मैं स्वयं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं केवल ढोंगी और पाखंडियों की बात कर रहा हूँ, जो भोले वाले निर्दोष लोगों को आज भी इन्हीं राहु और केतु के नाम पर, कालसर्प दोष के नाम पर पूरी ताकत से लूटने में लगे हुए हैं। चाहे कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली के अंदर है या नहीं, वो कहीं ना कहीं से आपकी जन्म कुंडली में जबरदस्ती कालसर्प दोष दिखाकर आपको लूटने में लगे रहते हैं, जबकि उनको स्वयं नहीं मालूम है कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। कभी कोई पंडित अगर आपसे बोले कि आपको कालसर्प दोष लगा है, तो उस पंडित से ये जरूर पूछ लेना, पंडित जी कृपया करके आप हमें ये बताइए कि कालसर्प दोष कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, आप अपना ज्ञान प्रदर्शन करिए हमें। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, शायद 1000 में से 5 पंडित आपको बता पाएंगे कि काल सर्प योग जो है 3456 तरह के होते हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए बड़ा आसान रहेगा 3456। तो 3456 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, जो ये पंडित, कोई पंडित अगर आपको ये बता दे तो समझ लेना थोड़ा बहुत तो जानता है काल सर्प दोष के बारे में। प्रमुख रूप से 12 तरीके के होते हैं, लेकिन 12 के अंदर जब हम इनका विभाजन करते हैं उनकी ग्रह स्थिति के हिसाब से, तो ये 3456 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी, तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था, 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। गलत जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू, तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पर मैं गुरु जी से ये पूछने आई थी कि गुरु जी मेरा मकान कभी होगा अपना, अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। तो राहु और केतु के नाम पर आज कर इस कलयुग में लूटने वाले लोगों की बाढ़ आ गई है, भूल जाते हैं कि अगले जन्म में जब राहु देव महाराज, जो अब नवग्रह देवताओं में शामिल हैं, जिन्हें हम राहु देवता भी कह देते हैं, तो ये दैत्यराज राहु जब आपको दंडित करेंगे तो क्या हाल करेंगे आपका, कितने कष्ट देंगे, उन कष्टों से आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, उस जन्म कुंडली में राहु ग्रह अगर 6ठे स्थान में, 6ठे भाव में, 6ठे खाने में, अर्थात बीमारी वाले भाव में बैठा हुआ होता है और बलि होता है, कूर दृष्टि से देख रहा होता है अपने शत्रुओं द्वारा या शत्रुओं के साथ बैठा हुआ होता है, तो ऐसा राहु हमें दंडित करता है और हम किसी न किसी रूप में अपने जीवन में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाते हैं। हर समय हम चिड़चिड़े बने रहते हैं, हमारे स्वभाव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना जाता है, और बचपन से ही अगर देखेंगे तो हमें बचपन से ही बारंबार नजर दोष लगता है। रोजाना हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी चाची, ताई, बुआ हमारी नजर को ही उतारती रहने में व्यस्त हो जाती है।
कि आज इसकी नजर लग गई या कल उसकी नजर लग गई, परसों उसकी नजर लग गई, तो यह शाप है। राहु महाराज ने जो आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठकर आपको दिया है, यह वह शाप है। 100 बार सोचिए, मैं फिर कहता हूं आपसे, 100 बार सोचिए पाप कर्म को करने से पहले, ताकि आपको अगले जन्म में कोई शाप ना मिले। इसके साथ ही मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। आज जो समय है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था का यानी कि वोटिंग का एक अद्भुत समय चल रहा है, जहां पर हम अपनी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव भी इसी परंपरा के तहत होता है। और आपके इलाके के लिए आपके एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सिर्फ आप लोगों से एक अनुरोध है कि वोट अवश्य डालने जाएं, मगर वोट उस व्यक्ति को दें जो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए विकास के कार्य करता, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा होता हो, उसी व्यक्ति को वोट जिसने आपके देश का नाम रोशन किया हो, आपके देश के लिए कुछ किया हो प्रैक्टिकली, उस व्यक्ति को बिना किसी झिझक के वोट दें। अपने छोटे से लालच में, अपनी अंधभक्ति में न डूबें। राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म से भी ऊपर राष्ट्र आता है। तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए और अपने देश के नव निर्माण के लिए उस व्यक्ति को चुने अपने क्षेत्र से, जो उस क्षेत्र में विकास कार्य सच में ही करता हो। ऐसा ना हो कि आप किसी छोटे से लालच में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हो, जो सच में आपके क्षेत्र का विकास करता हो, जो आपके देश के विकास में सहायक हो, सिर्फ और सिर्फ उसी को वोट करें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा शाप सीरीज के अगले शाप को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।